डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर को लेकर देशभर में भूचाल मचा हुआ है। इसी के चलते मंगलवार को वृंदावन में धर्मरक्षा संघ ने एक बैठक कर फिल्म का विरोध किया है। साधु संतों ने फिल्म निर्माता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर से हिंदुओं की भावना भड़क उठी है। जगह जगह फिल्म के पोस्टरों के विरोध हो रहे हैं। इसी क्रम में वृंदावन के एक आश्रम में धर्म रक्षक संघ की एक बैठक हुई। बैठक में दर्जनों संत, महंत, महामंडलेश्वर और कथा व्यास शामिल हुए। सभी ने एक स्वर में इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का विरोध किया। वहीं फिल्म का निर्माण करने वाले के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग भी की। इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने कहा कि हिंदू देवी देवताओं के अपमान का एक लंबा इतिहास रहा है। भारत में आस्था का अपमान अब सहन नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार अभी अभी कल ही हमें पता चला कि हमारी माँ काली के ऊपर कोई लीना मणिक बेकलाई नाम की महिला है, उसने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है जो कि घोर आपत्तिजनक है। उस फिल्म में हमारी माँ काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है और इससे भी बड़ी आपत्तिजनक बात यह है कि उनके हाथ में LGBT का झंडा थमाया गया है। LGBT का मतलब हमारे हिंदू समाज के हिसाब से ये घोर आपत्तिजनक अप्राकृतिक यौन संबंधों को रखने वाले लोगों की एक संस्था है, उन्हीं का ये झंडा है और हमारे देवी देवताओं का इस सब फालतू चीजों से कोई संबंध हो ही नहीं सकता। जैसा कि आप सब लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से विदित हुआ है कि हमारी माँ काली के सामने सिगरेट पीते हुए निर्माताओं ने जो दृश्य दर्शाया गया है, क्या केवल सनातन संस्कृति के देवी देवता ही इनको मिलते हैं जिनको जैसा मन में चाहे वैसा दृश्यांकन कर दिया जाए? मैं धर्मरक्षा संघ की तरफ से ये मांग करता हूँ। इस समय संत समाज में भयंकर रोष है और चारों तरफ जो है मन एकदम अराजकता फैल रही है और स्थितियाँ हो सकता है काबू से विपरीत हो जाए। आज ये धर्मरक्षा संघ के बैनर तले ये आचार्य बद्रीश जी के यहाँ भागवत भवन में सब संत विद्वानों की ये सभा आयोजित की गई है। इसमें हमारे जो देवी देवता हैं उनके ऊपर उनका जो अपमानजनक चित्र सोशल मीडिया पर डाला गया है, माँ काली को सिगरेट पीते हुए जो दर्शाया गया है एक निर्मात्री के द्वारा, उसका हम सब हिंदू समाज घोर निंदा करते हैं एवं माननीय उच्चतम न्यायालय से अनुरोध करते हैं ये स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पर उचित कार्यवाही की जाए।